कौन जा रहा है? करूँगा यू ने एक घंटा जाने तू हर साल लगा रहा है केले केले। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। चलो आ जाओ यार जल्दी से। 20 गुड इवनिंग सूरज सूरभ हाय। चलो आ जाओ जल्दी से। नो वॉइस, वॉइस नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? एक मिनट चेक करता हूँ। आपके अपने पसंदीदा आवाज क्लियर है ना मेरी आरिफ? बाकी लोग बताओ। हाय सर, हाय आरिफ, आवाज क्लियर है मेरी? चलो बताओ जल्दी से यार। आ रही है? हाँ ठीक है सूरज, चलो अब आ रही है। आ रही, हाय सर, हाय। चलो आ जाओ जल्दी से। कहाँ हैं बाकी के लोग हमारे? एक दो मिनट वेट करते हैं अगर कोई आए। हाँ मिहिर, चलो मिहिर भी आ गए। हाय मिहिर, सर MHT 11 CET का क्लास कब होता है? मैंने डिलीट कर दिया। 12th की बात कर रहे हो क्या? सीटी के लिए, सीटी के लिए एकलव्य बैच होगी जो कि जल्दी आने वाली है, ठीक है ना? अमोल फुले हाय। हाँ जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना? एकलव्य बैच जल्दी लॉन्च हो जाएगा, टेंशन लो मत। सर कल के नोट्स मिल गए? मिल गए ना सारे आरिफ? चलो ठीक है। 12th का है क्या आज? हाँ 12th का भी है मेर, 8 से 9 12th का भी होगा और अभी अब हम 11th का देख लेंगे। चलो ठीक है, गुड इवनिंग। चलो रुचेश अमोल, चलो आ जाओ, सॉरी फॉर लेट। कोई दिक्कत नहीं रुचेश, चलो ज्वाइन कर देंगे। चलो भैया फिर करना है स्टार्ट। तो देखो करते फिर आज के सेशन को स्टार्ट। हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया गया था और इसके दो लेक्चर हमने इसके पहले देख लिया था। दो लेक्चर में हमने कुछ पार्ट इसका कवर भी किया है। अगर कुछ लोगों ने उसका देखा नहीं होगा दो लेक्चर्स, तो आपने वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वो जाकर एक बार देख लेना, ठीक है ना? चलो सौरभ चौहान शायरी दे देंगे, बोलेंगे यार रुको अभी करेंगे करेंगे। सौरभ सौरभ मेरे ख्याल से आपने CET का बैच किया था शायद, एकलव्य बैच में थे शायद आप, ठीक है ना? आपने लेक्चर देखे हुए शायद मेरे। चलो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज हम क्या देखने वाले हैं देखते हैं भैया। बढ़ते अगले, अ डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज ऑफ कूलम। इसके पहले हम एक 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसके पहले लेक्चर में क्या क्या देखा था, ठीक है ना? इन कलर वाइट वाइट नहीं, येलो था ना हमारा, येलो ले लेंगे, ठीक है? देखो इसके पहले हमने देखा कि कूलम फोर्स क्या होता है। दो चार्ज अगर हो तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स कैसा हो सकता है? एक तो रिपल्शन भी हो सकता है और अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, ठीक है ना? रिपल्सिव और अट्रैक्टिव नेचर, ये बोथ नेचर का हो सकता है दो चार्जेस के बीच में
एक फोर्स होता है जिसका नाम क्या रखा था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमने नहीं रखा था, कुलम बाबा ने रखा था, ये हमने देखा था। उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू देखी थी हमने, एफ ई लिखा था मैंने, उसकी वैल्यू थी 1/4πε0Q1Q2 दो चार्ज से ये आर स्क्वायर, इतने हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला था हमने, वो क्या था हमारे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था एप्सिलॉन आर, ये देखा था, इसको क्या कहा था हमने, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। इसके लिए क्या देखा था हमने डेफिनेशन, द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का ही नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, इसको लिखा जाता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी एक डेफिनेशन देखी थी हमने। और एक डेफिनेशन देखी थी रिलेटिव परमिटिविटी के लिए, कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ मीडियम, ये भी हमने एक इसकी डेफिनेशन देखी थी, ठीक है ना। इसको एप्सिलॉन आर और स्मॉल के से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल के, ठीक है ना, स्मॉल के से, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है इसका, और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है। इसके लिए हमने एक और की डेफिनेशन देखी थी, जो कि थी फोर्स ऑन अ वैक्यूम अपॉन फोर्स ऑन अ मीडियम, ये सारी बातें हमने देख ली थी, ठीक है ना, ठीक है। इतनी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी। सौरभ चोपड़े, मेरा नाम युवराज है भैया, ठीक है ना, चलो इतनी बातें देख ली थी, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से, जिनको भी था वो आज हम फिर से क्लियर करवा देंगे, क्योंकि हमने देखा था इसका ये क्या है, हमारा स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ है, क्या है, स्केलर फॉर्म। आज हम उसका वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म यानी क्या होता है, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है और कैसे उसमें चेंज होता है, ये हम सारी बातें आज डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। चलो भैया फिर ये क्या करता हूँ मैं, ये रफ कर देता हूँ, ये आपको सिर्फ मैंने बताने के लिए ये रिवाइज किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी चीज़ें देख ली थी, इसको मिटा देता हूँ। आज का सेशन में जो देखने वाले हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज, देखिए डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज क्या है, यूनिट चार्ज क्या होता है आपको पता है, यूनिट, अगर यूनिट की बात आ जाए तो यूनिट यानी वन, यानी वन चार्ज की डेफिनेशन क्या है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये हमने देखना है, क्या है दिखाया, देखिए वन कूलम इज द अमाउंट ऑफ अ चार्ज विच वेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 9.0×10⁻⁹ N। अब इसका मीनिंग क्या है देखिए, अगर कोई दो हम लाइट चार्जेस ले लीजिए, अगर हम दो कोई चार्ज कंसिडर कीजिए, ये Q1 है, ये Q2 है, कोई दो चार्ज ले लीजिए, इनके बीच का सेपरेशन अगर 1 meter हो, यानी R की वैल्यू कितनी हो, 1 meter हो, और इनको ऐसे एडजस्ट करना है, ऐसे डिस्टेंस पर रखना है, ऐसा इनका मैग्नीट्यूड लेना है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना मिले हमें, जो फोर्स मिले वो एफ ई लिखता हो वो मिलना चाहिए 9×10⁹ N। अगर इनके बीच में लगने वाला फोर्स अगर हमें 9×10⁹ इतना मिलता है, तो तब वो दो चार्जेस कैसे होंगे, ये हो जाएंगे यूनिट चार्ज, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 coulomb इतनी होगी, ये अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन बता रहा है भैया। क्या कहा मैंने कि दो चार्जेस लेना है, उनको सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस कितना है, 1 meter रखा है, और ऐसे उनको रखना है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना मिले हमें, 9.0×10⁹ N इतना फोर्स मिलेगा, तो ही क्या कहेंगे हम, ये दोनों चार्ज कैसे मिलेंगे हमें, ये यूनिट चार्ज, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 coulomb ये होगा, ठीक है ना। ये डेफिनेशन को थोड़ा ना उल्टा लिखा है, हम देखेंगे इसको सीधी तरह से। देखिए हमें क्या करना है, दो चार्ज ले लेना है, दो चार्ज Q1 Q2 आर प्लेस्ड 1 meter, ठीक है। अगर दो कोई चार्ज हम लेते हैं, उनके बीच का सेपरेशन 1 meter होगा, तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू क्या है भैया, 1/4πε0Q1Q2 r2। अकॉर्डिंग टू दिस इसके बीच का फोर्स कितना लग रहा है भैया, 9×10⁹ N। इसकी वैल्यू हमने देख ली थी, ये कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी थी हमने देखी थी, 9×10⁹
9. Q1, Q2, ये कैसे होने चाहिए? ये like charges होने चाहिए. यानी Q1 और Q2 की value कैसे मिलेगी हमें? Equal. Q1 is equal to Q2 is equal to हम क्या लिख सकते हैं? Q. Q1, Q2 की अगर जगह मैं Q लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? Total Q square upon R square. R की value कितनी? 1 meter. यानी 1 meter. बराबर है? ये cancel out हो जाएगा. ये Q square इधर 1 आ जाएगा. यानी simple क्या मिल जाएगा? मुझे 1 is equal to Q square. इसको स्क्वायर रूट ले लूंगा तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. यही इसका मीनिंग है कि यूनिट चार्ज क्या है हमारा. अगर दो कोई लाइक चार्जेस हम ले ले उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाला अगर फोर्स हमें कितना मिलता है? 9×10⁻⁹ इतना मिलता है तो हम कह सकेंगे कि ये दो चार्जेस कैसे है? ये यूनिट चार्ज है. यही इसका सिंपल मतलब है. ठीक है ना? क्लियर है सभी को? क्लियर है क्या? क्या कहना है? देखो फिर से एक बार बता देता हूं आपको. डेफिनेशन क्या है हमारी? यूनिट चार्ज किसे कहते हैं? अगर कोई दो सिमिलर चार्जेस हम सेपरेट करते हैं 1 meter से. क्या कह रहा हूं? कोई दो सिमिलर चार्जेस अगर सेपरेशन बिटवीन टू सेपरेट चार्जेस इज 1 meter तो इनके बीच में अगर फोर्स कितना मिलता है? अगर हमें फोर्स इतना मिलता है 9×10⁹ इतना अगर हमें फोर्स मिलता है तो तब वो चार्जेस कैसे हो गए? ये यूनिट चार्ज हो गए. यही इसके डेफिनेशन का कहना है. ठीक है ना? रिपीट करता हूँ कोई दिक्कत नहीं. देखिए अगर कोई दो चार्जेस लेते हैं हम, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना रखना है हमें? 1 meter रखना है. इनके बीच में सेपरेशन रख दिया 1 meter. ये दोनों चार्ज लाइक चार्जेस है, ठीक है. इनके बीच में अगर हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है, हमें पता है कोई भी दो चार्जेस ले लेंगे, यानी Q1 Q2 अगर कोई भी दो चार्जेस ले लेते हैं हम, तो इनके बीच में हमें पता है क्या लगता है? एक फोर्स लगता है जिसका हमने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वो कैसा होता है भैया? वो कैसा होता है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ये हमने देखा था, बराबर है. मैंने क्या कहा अभी? ये कैसे है? ये लाइक चार्जेस है. कंसीडर कीजिए लाइक चार्जेस है. Q1 Q2 इक्वल टू Q है. अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर K की वैल्यू क्या होगी? K Q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर. बराबर है. फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेंगे? 9×10⁹. K की वैल्यू कितनी भैया? K की वैल्यू हमें पता है 9×10⁹. Q स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे. R की वैल्यू कितनी है? 1 meter है. 1 meter है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 का square 1 ही होता है. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. सिंपली जो हमें Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1. इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो Q एंड एक चार्ज जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? 1 coulomb इतना चार्ज हो जाएगा. ठीक है ना? चार्ज किस में कैलकुलेट करते हैं हम? 1 coulomb. क्लियर है सभी को? अभी ब्लर दिख रहा है? क्लियर है क्या? किसको ब्लर दिख रहा है? मेरे ख्याल से तो क्लियर है. यहाँ पर सही दिख रहा है. फिर से बताओ. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. फिर से बताता हूँ मैं आपको. इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है. कि इसका कहना सिर्फ इतना है कि 1 coulomb इज द अमाउंट ऑफ चार्ज. 1 coulomb क्या अमाउंट ऑफ चार्ज है? कि वेन प्लेस एट अ डिस्टेंस 1 meter टू अनदर चार्ज ऑफ अ सेम मैग्नीट्यूड इन अ वैक्यूम. यानी दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा लेना है? हमें सेम मैग्नीट्यूड लेना है. इनको सेपरेशन कैसे रखना है? 1 meter का रखना है. और उनके बीच में जो एक्सपीरियंस होने वाला है फोर्स कितना मिलेगा हमें? 9×10⁹ इतना मिलता है. तब क्या कहेंगे हम? ये चार्ज कैसे है? ये यूनिट चार्ज है. क्या कह रहा हूँ? दो चार्ज ये कैसे लेने हैं? देखिए सेम मैग्नीट्यूड के इन वैक्यूम. ये वैक्यूम के लिए बात कर रहे हैं हम. दो चार्ज अगर सेपरेशन करते हैं हम 1 meter से, ठीक है, और इनके बीच का अगर हमें फोर्स कितना मिलता है? 9×10⁹ इतना फोर्स अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं तो तब हम कहेंगे ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? ये यूनिट चार्ज है. क्लियर है अभी? चलो ठीक है. रुचेश नोट्स मिल जाएंगे मोतीराम? ऑल क्लियर. चलो आरिफ, इतना आप मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा. अगर बढ़ना आगे, चलो चलो चलो. इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है. आपको दिया हुआ, घुमा के दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में. इसमें इतना
सोचने की बात नहीं, ठीक है ना। चलो देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। अगर किसी को स्केलर फॉर्म में दिक्कत आई होगी तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखिए, आपको ये डायग्राम दी गई है टेक्स्ट बुक में, लेकिन हम क्या करेंगे इसको और आसान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखिए, डायग्राम यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं। कंसिडर कीजिए, ये Q1 चार्ज है यहाँ पर, ये Q2 चार्ज है, बराबर है। इनके बीच का सेपरेशन कंसिडर कीजिए, ये हाँ सेपरेशन कुछ है R इतना सेपरेशन, ठीक है। Q1 Q2 है, बराबर है। अब हमें क्या बोला है इसमें, वेक्टर फॉर्म। पहले हमने देख लिया स्केलर फॉर्म। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है भैया? स्केलर में होता है ओनली मैग्नीट्यूड, द फिजिकल क्वांटिटी विच वी कैन डिस्क्राइब बाय यूजिंग ओनली मैग्नीट्यूड। उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड रख देंगे तो हम क्या हो जाएगा, उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे। लेकिन वेक्टर क्या होता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज भी क्या चाहिए, उसका डायरेक्शन भी चाहिए होता है। उसी को कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो यहां पर कूलम्स लॉ का कैसे बताना, हमें वेक्टर फॉर्म क्या होगा ये बताना, यानी क्या होगा। पहले लेक्चर में हमने क्या देख लिया, उसका स्केलर फॉर्म देख लिया, यानी मैग्नीट्यूड देख लिया। अब क्या करना होगा हमें, उसकी डायरेक्शन यहां पर फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है ना। तो चलो कंसीडर कीजिए कि F1 जो फोर्स लग रहा है, F1 Q1, ये देखिए ये दो चार्जेस ले लिया हमने Q1 Q2 पर, बराबर है। इनके बीच का सेपरेशन कंसीडर कीजिए R है, ठीक है, ये इसके मेथड से जाएंगे, ठीक है ना। अब कंसीडर कीजिए कि Q1 पर फोर्स लग रहा है, Q1 पर फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स कौन लगा रहा है भैया, Q2 लगा रहा है Q1 पर, क्योंकि यहां पर दूसरा कुछ अवेलेबल है क्या, कुछ भी नहीं अवेलेबल। Q1 चार्ज पर Q2 फोर्स लगा रहा है, यानी क्या कर रहा है, पीछे से धक्का देख रहा है। तो इसको लिखना कैसा है भैया, फोर्स ऑन Q1 चार्ज यानी 1 ड्यू टू चार्ज 2, यानी जो पीछे से धक्का लगा रहा है इसको लिखना ऐसा है कि फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू द Q2 चार्ज। फोर्स जो सामने खड़ा है उस पर फोर्स लगा रहा है कौन, पीछे से धक्का लगा रहा है, यानी इसको मैंने लिखा कैसे, फोर्स फॉर Q1 चार्ज ड्यू टू द टू चार्ज, यानी धक्का लगाने वाला चार्ज, क्लियर है। स्लोली दिख रहा है क्या हुआ, क्लियर है ना, समझ स्लो दिख रहा है क्या, एक मिनट में देखता हूँ कौन कह रहा है स्लो दिख रहा है। सर तुम्हारा एक्शन स्लोली दिख रहा है, पेज नंबर क्या है, ठीक चल रहा है भैया, कौन कह रहा है ये विशाल, क्लियर दिख रहा है ना भैया, एक बार फिर से बता दो, कोई दिक्कत नहीं फिर से बता दो। ठीक है चलो देखिए, देखिए हमने क्या कर लिया, अब क्लियर है ना सभी को, क्लियर दिख रहा है, स्लो वगैरह कुछ भी नहीं है, नो सर ऑल क्लियर है ना, हाँ। देखिए क्या कर लिया था हमने, दो चार्जेस ले लिए, अब मुझे लिखना है कि वेक्टर फॉर्म में फोर्स की वैल्यू लिखनी, तो मैं लिख रहा हूं कि फोर्स ऑन Q1 चार्ज, फोर्स ऑन Q1 चार्ज, इसको लिखेंगे कैसे, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू दी Q2 चार्ज, यानी Q2 चार्ज की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स हमें डिस्क्राइब करना है इन वेक्टर फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, F फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू द TU, जो पीछे क्यों लिखा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है, यानी फोर्स लगा रहा है, इसलिए उसको हमने कैसे लिखा, फोर्स इसको 1 2, ठीक है, ये डॉट ये नहीं आएगा वहां पर, ये नहीं आएगा, फोर्स ऑन Q1 चार्ज इज इक्वल टू, अब देखिए कैसे आ जाता है वो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कंसीडर कीजिए ये R स्क्वायर के बीच का डिस्टेंस है, बराबर है। अब देखिए डायरेक्शन कैसी हो जाएगी फोर्स की, Q1 चार्ज पर लगा रहा है कौन फोर्स, Q2 चार्ज, यानी इसकी फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, 2 से 1 की ओर, ये 1 चार्ज है ये 2 चार्ज है, इसकी इसकी जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी फोर्स की, 2 से 1 की ओर फोर्स लग रहा है, 2 से 1 की ओर फोर्स लगा रहा है। तो इस मैग्नीट्यूड को अगर हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। यूनिट वेक्टर क्या होता है भैया, यूनिट वेक्टर क्या करता है, किसी भी मैग्नीट्यूड को यानी किसी भी वैल्यू को डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर करता है। तो अभी हमें इसके मैग्नीट्यूड तो पता है, हम इसको डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या मिल रही है हमें, 2 से 1 की ओर, इसको लिख दूंगा मैं 2 से 1 की ओर, और इसको एक कैप दे दूंगा, इसको कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। क्या किया मैंने, पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लिया,
इसको मल्टीप्लाई किया यूनिट वेक्टर से तो क्या मिल गया इसके यहाँ में डायरेक्शन मिल गई, और ये क्या हो गया उसका वेक्टर फॉर्म हो गया, क्या हो गया वेक्टर फॉर्म। क्लियर है, क्लियर है इतना। कितना क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए। अब देखिए सिमिलर में क्या करेगा, Q2 पर भी क्या कर रहा है, Q1 चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। Q2 पर क्या कर रहा है, Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है भैया। तो इसको कैसे लिखेंगे भैया, फोर्स ऑन टू चार्ज ड्यू टू दी वन, Q2 चार्ज यहां पर इसको धक्का कौन दे रहा है, यहां से ये Q1 चार्ज दे रहा है, यानी फोर्स कैसा लग रहा है, टू से वन की ओर। डायरेक्शन कैसी, टू से वन की ओर, लेकिन फोर्स इस पर लग रहा है वन पर, सॉरी टू पर वन की वजह से। तो इसको कैसे लिखा मैं, फोर्स ऑन टू चार्ज ड्यू टू दी क्यू वन चार्ज लिखा, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, बराबर है। ये क्या आ गया भैया, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्या होगा, हमें इसको क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए। यूनिट वेक्टर से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी मैग्नीट्यूड को हमें डायरेक्शन चाहिए, इस वजह से क्या करते हैं हम उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे भैया, फिर हमें ये आर, अब इसकी जो हमें फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, टू वन से टू की ओर, वन से टू की ओर। ये कंसिडर कीजिए क्यू टू चार्ज है, यहाँ पर क्यू वन चार्ज है, ठीक है। फोर्स कैसे लग रहा है अभी, टू पर वन से टू की ओर, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वन से टू की ओर, और इसको क्या कर देंगे हम, कैप दे देंगे, बराबर है। क्लियर है सभी को, कंसिडर कीजिए। ये कोई दोस्त है, ठीक है, ये वन है ये टू है, बराबर है। अब क्या करना है मुझे, फोर्स ऑन पेन ड्यू टू दी रिमोट, क्या फोर्स ऑन अ पेन ड्यू टू दी रिमोट कहना है, ठीक है। क्योंकि ये दो ही चीज़ है, वैक्यूम की बात करें हम, वैक्यूम में ये दोनों के अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कि पेन पर कौन फोर्स लगाने वाला है, रिमोट लगाने वाला है। तो मुझे डिस्क्राइब करना है कि फोर्स ऑन अ पेन कितना है, तो फोर्स ऑन अ वन के पेन कैसे लिखूंगा मैं, फोर्स ऑन अ पेन ड्यू टू दी रिमोट, बराबर है। फोर्स किसके पर लग रहा है, पेन पर, किसकी वजह से, रिमोट की वजह से। यानी क्या लिख लिया मैंने, फोर्स ऑन अ क्यू वन किसको बोला मैंने, पेन को बोला, फोर्स ऑन अ वन ड्यू टू दी टू, बराबर है, इज इक्वल टू। अब देखिए फोर्स कौन लगा रहा है, रिमोट लगा रहा है, किसकी ओर लगा रहा है, पेन की ओर। यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिमोट से पेन की ओर, रिमोट से पेन की ओर, क्योंकि कैसे कर रहा है, इसको फोर्स लगा रहा है, इसको धक्का दे रहा है, बराबर है। तो इसकी डायरेक्शन हमने लिखने के लिए क्या किया, यहां पर से इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है, अभी क्लियर हो गया क्या, ठीक है। अब देखिए दोनों चार्ज के, देखिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखिए, हमें क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, सिर्फ डायरेक्शन क्या मिल रही है, इसकी कहां डायरेक्शन है, टू से वन की ओर है, और इसकी डायरेक्शन कैसी मिल रही है, वन से टू की ओर। यानी ये दोनों की जो डायरेक्शन है ये कैसी है, वन से टू की ओर एक डायरेक्शन है और टू से वन की ओर एक डायरेक्शन, बराबर है। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है, दोनों का सेम है, तो हम कह सकेंगे कि फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू दी टू इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू चार्ज ड्यू टू दी वन इज ए कॉन्स्टेंट। दोनों भी कैसे, इक्वल है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या कर दूंगा मैं, इसको माइनस साइन लगा दूंगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो क्या करते हैं हम, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव से शो करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है सभी को, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड देखो भैया, F12 इज इक्वल टू क्या, F21, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, चेंज क्या है, डायरेक्शन चाहिए। एक की डायरेक्शन 2 से 1 की ओर है, दूसरे की डायरेक्शन 1 से 2 की ओर है, इस वजह से मैंने क्या लिखा, F12 इज इक्वल टू क्या, F21, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या लिखे यहां पर, साइन क्या आ गया हमारा, माइनस साइन आ गया। क्लियर है, चलो क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू आरिफ रुचेश, ठीक है चलो। फोर्स मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, फोर्स कैसा लगता है, फोर्स एक्टिंग अलोंग लाइन जॉइनिंग देम, यानी ये लाइन के अलोंग ही क्या करता है, हमारा फोर्स लगता है, ठीक है ना, ये हमने बताया था। और दूसरी बात भी मैंने बताई थी कि ये कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स है, सेंटर से एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स है, इसलिए हमने क्या कहा था,
सेंट्रल फोर्स का, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दी। तो वेक्टर फॉर्म कैसा लिखना है ये हमने अब देख लिया, अब इसको यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। ओके सर, बेस्ट, थैंक यू। चलो बस फोर्स को लिखना कैसे है वो एक बार फिर से एक बार बता देता हूं लगे तो मैं, ठीक है ना। अगर फोर्स ऑन ऑफ वन चार्ज लिखना है ना हमें, यहां पर फोर्स कौन लगा रहा है, यहां पर टू लगा रहा है, पीछे से धक्का दे रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, फोर्स ऑन ऑफ वन, फोर्स ऑन ऑफ वन ड्यू टू द, किसके वजह से पीछे से धक्का देना है, इसको हम पीछे लिख लेंगे। सिंपल क्या करना है, इसको लिख लेना है, बराबर है। अब मुझे क्यू टू पर अगर फोर्स निकालना है तो क्या, फोर्स ऑन टू, बट पीछे से धक्का कौन लगाएगा, यहां पर से अभी वन, इसको सिंपली ऐसे लिख दूंगा, क्लियर है। यही इसके लिखने की टेक्निक है बस, उसकी डायरेक्शन हमें दे देनी है जो भी आपको बताया। हाँ, समझा, आप फॉलो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, जरूर कर सकते हैं, आपकी उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। यस सर, अल्फा, थैंक यू। चलो बढ़ते आगे, देखते हैं अभी। कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कुछ मिला जुला है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स के, उसके ही बेसिस पर, उसके ही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ कॉपी की है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। चलो देखिए क्या है फिर दोनों में कंपेरिजन, सिमिलरिटीज क्या है, बोथ फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी बोथ जो फोर्सेस है वो कैसे करते हैं, इनवर्स लॉ फॉलो करते हैं। यानी मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, ये भी क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दो मासेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है स्क्वायर को। और सिमिलर वे में जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिला था वो भी क्या मिला था, इसके डिस्टेंस को स्क्वायर को, डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर इसका कहना है कि बोथ दी फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोथ आर द सेंट्रल फोर्सेस, बोथ कैसे सेंट्रल फोर्सेस है, एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया ये फोर्स जो लगते हैं ये कैसे लगते हैं, अलॉन्ग द लाइन ही लगते हैं, जो ज्वाइन करती है दोनों सेंटर से सेंटर की ओर के वो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, उसके अलॉन्ग ये फोर्स लगता है, ये इसका कहना है। इसके बाद में देखिए डिफरेंस क्या बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑलवेज अट्रैक्टिव, कैसा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, व्हाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। इसका क्या कहना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये ऑलवेज कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये एक तो अट्रैक्टिव एज वेल एज द रिपल्सिव नेचर का हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा, जब दोनों चार्जेस कैसे हो गए, ये अनलाइक चार्जेस हो गए, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अगर दो चार्जेस होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो तब कैसे लगेगा यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर फोर्स लगने वाला लगे है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। जबकि रिपल्सिव फोर्स कब लगता है, जब दोनों चार्जेस कैसे हो, लाइक चार्जेस हो, यानी इधर भी पॉजिटिव उधर भी पॉजिटिव, या फिर इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, यानी दो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगता है, जबकि दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगता है, यही इसका कहना है। और क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अबाउट 36 ऑर्डर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड वीकर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कह सकते हैं हम एफ जी 36 एफ जी इज इक्वल टू 1 एफ ई। इसका कहना क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 36 ऑर्डर में क्या इससे छोटा है, ये हमें इसको कहना है। क्या कह रहा है देखिए, ये फोर्स स्टेटमेंट क्या बता रहा है हमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अबाउट द 36 ऑर्डर्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड वीकर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कितना छोटा है 36 ऑर्डर मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, ठीक है ना, इतना छोटा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वीकर फोर्स होता है, ये सबसे वीक फोर्स होता है, ठीक है ना। अगर फोर्स स्ट्रांग होता तो हर दो चीजें क्या होती, आपस में मिल जाती, क्योंकि दोनों चीज का क्या है मास है, हर दो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती तो हर चीजें क्या होती, आपस में मिल जाती, ठीक है ना। चलो आगे देखिए क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ अ सुपरपोजिशन वेव्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
the principle of a superposition state that when a number of charges are interacting, the resultant force on a particular charge is given by the vector sum of force aggregated by the individual charge. In iska meaning kya hai, consider kijiye koi ek charge hai, ये Q0 चार्ज कंसीडर कीजिए, यहाँ पर Q1, ये Q2 और Q3। इन तीनों चार्जेस की वजह से Q0 चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, टोटल लगने वाला फोर्स कितना होगा, यही कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स। अब तक हमने जो कूलम्स लॉ देखा, स्केलर फॉर्म हो गए स्ट्रेस या फिर वेक्टर फॉर्म हो गए, ये किसके लिए देखा, बिटवीन द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस के लिए देखा। लेकिन यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें चार वैल्यू दी गई है। अब ये चारों चार्जेस की वजह से लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। तो इसका कहना क्या है कि जो रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, यानी यहाँ पर पर्टिकुलर चार्ज कौन है हमारा, क्यू नॉट, is given by the vector sum of force exerted on by the individual charge. Yani, in tino charges ki wajah se, is Q0 charge par lagne wala individual force ka, kya karna hai, hame vector addition karna hai. Usi ko kya ho jayega, hame total force on Q0 charge mil jayega. Dekhi, ab kaise milega. Ab dekhi, humne dekha tha, isko likhna hai vector sum mein, yani F total likhta ho, F net likhta ho. Force net on a, kya, zero charge likhta ho, zero charge. Thik hai na? अब देखिए इस पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है, देखिए ये वन टू और थ्री, ये तीनों लगा रहे हैं। मैं लिख लेता हूं इन दोनों के फोर्स के लिए, एफ वन लिख लेता हूं, ठीक है, इसको क्या करता हूं एफ टू लिख लेता हूं। इनकी देखिए डायरेक्शन देखने हैं तो डायरेक्शन कंसीडर कीजिए, फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, ये ऐसी है, कंसीडर कीजिए ऐसी है, फोर्स की डायरेक्शन कंसीडर कीजिए ऐसी है, वन की से जीरो की ओर है, टू से जीरो की ओर है, थ्री से जीरो की ओर है, ठीक है, चलो या फिर ऐसे लिख लो, उल्टी लिख लेंगे हमें आसानी हो जाएगी। ये डायरेक्शन है जीरो से वन टू की ओर, वन की ओर और थ्री की ओर, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है हमें, सिंपली क्या करना है, F1, F2 और F3 का एडिशन करना है, वेक्टर सम F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स प्लस F3 फोर्स, बराबर है। F1 फोर्स की वैल्यू देखिए क्या आएगी, यानी फोर्स बिटवीन दी टू चार्जेस Q0 और Q1, इसको F1 नाम दिया है, इसको कैसे लिखें हम, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर चार्जेस कौन से हैं, F0 और 1, F0, F Q1, सॉरी Q0 Q1, अपन के बीच का डिस्टेंस कंसीडर कीजिए R है, R स्क्वायर, बराबर है। इसकी डायरेक्शन कैसी है फोर्स की, नॉट से 0 से 1 की ओर, इसको मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या हो जाएगा 0 से 1, बराबर है। सिमिलर क्या हो जाएगा, F2 के लिए निकालना है, F2 देखिए इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ लग रहा है अभी, 2 0 और 2 के बीच में, Q0 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन देखिए 0 से 2 की ओर, बराबर है, तो इसको यूनिट वेक्टर में क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन 0 से 2 की ओर, बराबर है। प्लस अब क्या, F3 फोर्स, F3 फोर्स देखिए यहाँ पर, F3 फोर्स कैसे लगेगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन क्या है मेरा R स्क्वायर, डायरेक्शन देखिए फोर्स की क्या है, 0 से 3 की ओर। R आएगा, R क्या, 0 3, ठीक है ना। देखिए वेक्टर एडिशन करना है, इनके बीच में देखिए कॉमन क्या है, यहां पर भी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर भी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, आर स्क्वायर देखिए सब में कॉमन है और क्यू नॉट भी कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। बाकी के लिए क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन आ जाएगा, बराबर है। देखिए क्या है यहाँ पर से, यहाँ पर लिख सकता हूँ क्यू आई, यानी क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन वो कैसी हो जाएगी, आर क्या आप टू दी जीरो एन, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर से, ये चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा इसका समेशन, इसको ठीक से लिख लेता हूँ मैं, ये समेशन सही, ठीक है। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी क्या है, अगर कोई चार्ज दिया गया हो उस पर अगर मल्टीपल चार्जेस फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं तो वहां पर लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे हम,
दो दो चार्जेस के बीच का इंडिविजुअल फोर्स वहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, और क्या करेंगे उन सब चार्जेस को क्या करेंगे हम वेक्टर एडिशन करना है, इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? पहले क्या किया हमने, हर दो फोर्सेस के बीच का क्या किया इंडिविजुअल फोर्स निकाल लिया। देखिए F1, F2, F3 बराबर है। F1 को क्या लिखा मैंने 1/4π ε0 Q0 Q1 by R square। सिमिलर वे में क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 0 से 1 की ओर। इसको डायरेक्शन अच्छे से निकाल लूँ क्या एक बार, ये डायग्राम में अच्छे से लेता हूँ। यहाँ पर हमारा क्या था Q0 चार्ज था, ठीक है ना, यहाँ पर एक Q1 Q2 ये Q3 चार्ज था। इसकी डायरेक्शन क्या थी हमारी, डायरेक्शन देखिए 0 से 1 की ओर, यहाँ पर किसकी 0 से 2 की ओर, यहाँ पर 0 से 3 की ओर, ये डायरेक्शन थी। इसको फोर्स क्या नाम दिया था हमने, F1 फोर्स। इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या था, F2 फोर्स। इनकी दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या था, F3 फोर्स। ये डिस्टेंस कितना था R, ये भी R, ये भी R, ये हमने कंसिडर किया था। और इसके लिए क्या किया हमने, सेपरेट निकाल लिया दो दो चार्जेस के बीच में का फोर्स निकाल लिया, और इन सबका निकालने के बाद क्या किया हमने, सबको वेक्टर एडिशन किया। वेक्टर एडिशन करने पर हमें क्या मिली, 1/4π ε0 Q0/r² summation i to the n i से 1 Q i, यहाँ पर क्या है Q i r0 n, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है? अभी देखो, देखिए मैं क्या बताऊँ, ये देखिए एक बार फिर से बताता हूँ। ये डायग्राम दिख रही है आपको, देखिए Q1 पर क्या कर रहे हैं, ये तीनों की वजह से चार्ज क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, सिंपली अगर कोई सिस्टम दिया है, सिस्टम में हमारे एक से ज़्यादा चार्जेस हो तो उन पर लगने वाला टोटल फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही बताने का काम कौन करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये कोई सिस्टम है इसमें चार चार्जेस दिए गए हैं और सारे किस पर फोर्स लगा रहे हैं, हमारे Q1 चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, पहले फोर्स निकालूंगा, क्योंकि हमें पता है कि कूलम लॉ के अकॉर्डिंग कि हम दो चार्जेस के बीच का हम फोर्स निकाल सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हो गए तो हम क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा, हर दो चार्जेस के बीच में का पहले हम फोर्स निकाल लेंगे, वो निकालने के बाद क्या करेंगे उन सब का वेक्टर एडिशन करेंगे। यानी पहले क्या करेंगे, Q1 Q2 के बीच का फोर्स निकाल लेंगे, नेक्स्ट Q1 Q3 के बीच का फोर्स निकाल लेंगे, नेक्स्ट Q1 Q4 के बीच का फोर्स निकाल लेंगे, और बाद में क्या करेंगे उन सब का एक वेक्टर एडिशन कर लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। यानी इस पूरे सिस्टम में कितना हमें नेट फोर्स मिलेगा, ये मिल जाएगा। क्लियर है? अभी समझ गया, थैंक यू रुजेश। चलो क्लियर हो गया, अभी इसको लिखते कैसे, समझ गया अभी सभी को? ये डायग्राम भी दी गई है आपको, देखिए ये टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, लेकिन ये ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है इसलिए मैंने सिंपल निकाला, ठीक है। एडिशन की बताओ ना, एडिशन कैसे की, देखिए क्या किया, फोर्स क्या है हमारा 1/4π ε0 Q0 Q1 r², ये हमारा फॉर्मूला है फॉर टू चार्जेस के लिए, बराबर है। और हमने डायरेक्शन यहाँ पर बता दी, फिर से क्या 1/4π ε0 F2 के लिए Q0 Q2 r² ये डायरेक्शन बता दी। सिंपल क्या हो जाएगा, थर्ड के लिए F3 फोर्स 1/4π ε0 Q0 Q3 r² r03। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ये कॉमन आ रहा है 1/4π ε0, ये 1/4π ε0 1/4π ε0, इसको पहले लिख दिया मैंने 1/4π ε0। अब इसमें और क्या कॉमन आ रहा है, देखिए Q0 यहाँ पर भी क्या आ रहा है, Q0 यहाँ पर भी क्या आ रहा है, Q0, तो इसको मैंने लिख लिया Q0। इसके बाद क्या आ रहा है, ये r² ये r² ये r², ये भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया 1/4π ε0 Q0 r², इसको साइड में लिख लिया, बराबर है। अब समेशन में यानी क्या होता है, ये i की जगह क्या करूँगा, मैं इंटीग्रल मल्टीपल लिखूंगा n तक के, अगर n तक के चार्जेस दिए हुए हैं तो n तक मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यानी 1 2 3 आ जाएगा। देखिए Q i 1 है यहाँ पर, Q1 है यहाँ पर, Q2 है,
Q3, यानी क्या कर सकता हूं मैं, 1 से आगे हम यहां पर ऐड करते जा सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन के लिए 0, देखिए सबकी डायरेक्शन कैसी है, 0 से 1 की ओर, 0 से 2 की ओर, 0 से 3 की ओर, यानी 0 पर लग रहा है फोर्स, और ये यानी क्या हमारे किस चार्जेस की वजह से लग रहा है ये बताने का काम कौन कर रहा है, n कर रहा है। क्लियर है अभी? डायग्राम नहीं दिख रही, कौन सी डायग्राम नहीं दिख रही आपको? अच्छा ऊपर वाली डायग्राम नहीं दिख रही ना, हाँ इसमें भी नहीं दिख रही, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाली दिख गई ना, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। इतना ही है क्या? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर हो गया अभी सभी को? क्लियर है सर, सर ले लेंगे लेक्चर अभी, 8 से 9 लेने वाले सर आपका 12th का, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर क्या क्या देखा हमने आज एक बार देख लेते हैं फिर भी। डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज क्या कहती है, मैं 5 मिनट में आपको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, आपको एक बार न्यूमेरिकल ले लेंगे एग्जाम्पल। हाँ देखिए क्या कह रहा है फिर हमारा डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज क्या कहता है, अगर कोई दो सिमिलर चार्जेस हो, इनके बीच का सेपरेशन अगर 1 मीटर होगा, और इनके इन पर अगर फोर्स लग रहा है कितना, 9×10⁻¹, इतना फोर्स की वैल्यू अगर मिलती है तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, देखिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अगर दो कोई चार्ज हो Q1 Q2, इनके बीच का सेपरेशन कितना लेना है, 1 मीटर, अगर इनके बीच में अगर हमें मिलने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी हो, फोर्स अगर हमें इनके बीच में मिलता है 9×10⁻¹ N, तब क्या कहेंगे हम, ये चार्जेस कैसे हो जाएंगे, Q1 Q2 = हो जाएंगे भैया ये यूनिट चार्ज, यानी इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 कूलम। अगर इनके बीच में जो फोर्स हम एक्सपीरियंस कितना करते हैं, 9×10⁻¹⁹, इतना न्यूटन अगर हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों चार्जेस कैसे, यूनिट चार्ज। इसके बाद देखा हमने वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखने का क्या है, Q1 Q2 कोई चार्जेस है, फोर्स ऑन अ चार्ज 1, इसको लिखने की टेक्निक समझ लो, फोर्स ऑन अ चार्ज 1 इसको कैसे लिखे हम, फोर्स ऑन अ चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 2, तो इसको पीछे लिखेंगे, यानी फोर्स कौन लगा रहा है, धक्का कौन दे रहा है, पीछे वाला, तो इसको लिखने के कैसे, 1 2, ये होगा इसका वेक्टर फॉर्म, इसको ऐसे लिखते हैं। और वेक्टर फॉर्म में क्या है, इसको डायरेक्शन बताने का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर करता है, तो इसको लिखेंगे कैसे हम, 1/4πε₀Q1Q2/r², ये r डिस्टेंस है, और इसको डायरेक्शन देखिए यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, किसकी ओर, 1 की ओर, 2 से 1 की ओर, तो इसको डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, 2 से 1 की ओर, ये क्या हमारा यूनिट वेक्टर है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आता है, यूनिट वेक्टर यानी क्या होता है हमारा, सिंपली r क्या, अगर 2 1 लिखना है तो ये होता है r वेक्टर 2 1 अपॉन इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये कहते हैं हम इसको, 2 1 लिखने की जरूरत नहीं, नीचे ये क्या होता है हमारा, ये यूनिट वेक्टर होता है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो क्या होता है, R21 वेक्टर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ R, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या देखा हमने, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर मल्टीपल चार्जेस दिए गए हो तो उस पर अगर हमें नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ता है हमें, Fnet = नेट निकालना है तो क्या करते हैं, Fnet = क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हर दो चार्जेस के बीच के फोर्स की, ठीक है ना, हमने देखा था F1 वेक्टर + F2 वेक्टर + F3 वेक्टर, और ये ऐसे जितने जाएंगे चलते जाएंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा था हमारा, 1/4πε₀, और क्या आ रहा था हमारा, क्यू, जो भी हमारा चार्ज होगा Q0/r², समेशन में क्या आ गया होता हमारा, i = 1 to n, वो आ गया था मेरा, और क्या था, Q × क्या था हमारी डायरेक्शन, r⁻₀ to n, ये हमारा इक्वेशन आ गया था एफ नेट के लिए, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हमने आज देख ली, अगर किसी कोई दिक्कत होगी तो हम कल एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है ना, लेक्चर खत्म, आज के लिए इतना ही है, यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का इसके बाद का देख लेंगे, ठीक है ना, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो भी हम
नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को लेक्चर बराबर, अच्छा ठीक। ठीक है भैया, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो रुकते हैं, आज के लिए इतना ही है, कल देख लेंगे हम बच्चा।